हेलो फ्रेंड्स मैं राधिका देवांगन जैसे कि आपने डिमांड किया था कि आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स चाहिए तो मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फैमिली सेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी सर्विसेज एंड गुड्स इट इज दिस दिस सर्कुलेशन हैप एंड टर्म ऑफ income in the production process distribution between the factors of production and at the end of the circulation of the product from household to a firm in the form of consumption expenditure on goods and services manufactured by them एक क्या होता है घरेलू और एक होता है उत्पादक है ना इस डायग्राम में देखो एक है firms एक है households firms में क्या क्या हैंग जिसके लिए हम क्या करते हैं जब हम दूसरों के लिए उत्पाद करते हैं ना हाउस होल्ड क्या है जो हम अंतिम उपभोक्ता जो सेवा का क्या करते हैं उपयोग करते हैं अब देखो द आउटर लूप द डायग्राम सोफ द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स द फर्म्स एंड द क्रॉस क्रॉसपेंडिंग फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स उसके बाद है द इनर लूप द इनर लूप सोर्स ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड द देंटिंग फ्लो ऑफ कंज्युमसन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड द फर्म द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाई फर्म्स अ फैक्टर पेमेंट इज पेड बाई पेड बैक बाई द फैक्टर ऑनर्स टू द फर्म सेकेंड क्वेश्चन देखिए मेजर्स द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा बाई डाटा बाई इनकम मैथड इनकम मेथड यूज़ करना है आपको नेशनल इनकम निकालना है क्वेश्चन में आपको दिया है आइटम और जो आपको अमाउंट दिया है वो करोड़ में दिया हुआ है फिर है आपका सैलरी एंड वेजेस फिफ्टीन थाउजेंड रेंट फाइव थाउजेंड प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट फाइव थाउ फिफ्टी थाउजेंड डप्रिशिएशन वन थाउजेंड ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइंड आउट सॉरी अब इसका सोल्यूशन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का अब देखो जो फॉर्मूला है ना नेशनल इनकम नेशनल इनकम सैलरी एंड वेजेस फिर है प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एडिशनल मिग्ज इनकम आइटम फॉर सेल्फ कंजुप्शन रिसीव फॉरन नेट इनकम डायरेक्ट टैक्स इसमें आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस अवेलेबल था फिफ्टीन थाउजेंड और आपका इंटरेस्ट था फाइव थाउजेंड है ना फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट है सॉरी फाइव थाउजेंड रेंट है फिर प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर फाइव थाउजेंड आपका इंटरेस्ट भी है एक साथ करना आप क्वेश्चन पे देखेंगे ये कितना हो गया आपका फिफ्टी थाउज़ेंड ठीक उसके बाद है आपका फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नेट नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर इम्पोर्ट ट्वेल्व थाउजेंड एक्सपोर्ट टेन थाउजेंड अब इसका फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर डिफरेंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एडिशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया है फाइव थाउजेंड फिर दिया हुआ है आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है सेवन थाउजेंड फिर दिया है आपको एक्सपोर्ट एम्पोर्ट का डिफरेंस कितना है टू थाउजेंड वो ले लेंगे है ना फिर कितना आ जाएगा हमारा पचास हजार करोड़ आ गया फिर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस एक, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के तरह सेवन थाउजेंड फिफ्टी टू करोड़ धन्यवाद और मैं इसके आगे आपका एक वीडियो बिजनेस स्टडीज़ का भी डालूंगी इंग्लिश मीडियम का